छह महीनों ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। कोरोना के आया हमारा खाना पीना जीना सब कुछ बदल गया और साथ ही बदला हमारे कामकाज का तरीका। वर्क फ्रॉम होम का जो जुमला पहले लग्जरी लगता था अब जरूरत बन गया है। मीटिंग अब मोबाइल लैपटॉप पर होने लगी है। सोफे बेड और डाइनिंग टेबल ने कुछ कुछ दफ्तर की शक्ल लेना शुरू कर दिया है। निजी और कामकाजी जिंदगी के बीच तालमेल बैठाना एक अलग चुनौती बन गया है। कंपनियां भी सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर में पैसा लगा रही है ताकि घर से काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर वर्क फॉर होम होने लगे। कंपनियों के लिए ये चैलेंज है। दफ्तरों में कम लोग दिख रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। जो दिखेंगे वो साथ काम करते या गप लड़ाते नहीं बल्कि मुंह पर मास्क बांधे दूर दूर बैठे और बार बार हाथ सैनिटाइज करते दिखेंगे। कोरोना वायरस मशीनीकरण के इंजन को और रफ्तार देगा। कारखानों में ज्यादा से ज्यादा मशीनें और रोबोट अब इंसानों की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। जब शहर बदल रहे हैं तो खेती बाड़ी पीछे क्यों रहेगी। खेती के काम में लगने वाले मजदूरों का काम शायद अब बड़ी बड़ी मशीनें करने लगेंगी। लेकिन इस बीच नौकरी को लेकर टेंशन है। ये सही है कि कुछ रोजगार खत्म हो जाएंगे लेकिन नए भी तो बनेंगे। आमने सामने होने वाले कई काम ऑनलाइन हुआ करेंगे तो मौके भी तो बनेंगे। आने वाला कल नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों का है। इंसानों का काम अगर मशीनें करने लगेंगी तो ऐसी मशीनों को बनाने के लिए इंसानों की भी तो जरूरत होगी ना।